हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप देख सकते हो मैंने अपने रेडमी नोट 9 प्रो में जो है यहाँ पर MIUI 13 का रोम जो है इंस्टॉल कर लिया, जो कि रॉक स्टार बेस्ड रोम है। तो इसका एक नया अपडेट आया है जिसका वर्जन आप देख सकते हो 22.6.22 यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और जो डेवलपर है वो यही है जो पहले थे, वही डेवलपर इसमें है। तो इसका जो है मैं आज रिव्यू देने वाला हूँ इस वीडियो में, एंड साथ ही साथ आपको बताऊँगा कि इसके जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, सारी चीज़ें हम चेक करेंगे और एक एक चीज़ आपको इसमें जो नई नई चीज़ें वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना गाइज, कर देना यार सब्सक्राइब प्लीज़। हाँ, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज़ आप यहाँ पर देख सकते हो Redmi Note 9 Pro आपको देखने को मिल रहा, सारे स्पेक्स देखने को मिल जा रहे हैं आपको। तो यहाँ पर सारी चीज़ें वही आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पर देख सकते हो, बट यहाँ पर जो है Android 12 आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर अभी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गया है Redmi Note 9 Pro में। काफ़ी जो डिवाइसेज हैं, जो Mi Atoll के डिवाइसेज हैं, उसको जो है अभी एंड्रॉयड 12 का अपडेट नहीं मिला ऑफिशियली, बट ये जो यहाँ पर जो ये लोग डेवलपर लोग अपडेट दे रहे हैं एंड्रॉयड 12 का MIUI का, तो ये काफ़ी ज़्यादा ये इन्हेंस होकर आ रहा है यहाँ पर, एंड जो बग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जा रहे हैं यहाँ पर। तो अभी इसको इसमें आपको जो है कोई भी बग्स देखने को नहीं मिलने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। यहाँ पर जो सिक्योरिटी पैच है आप देख सकते हो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन का आपको देखने को मिलता है, एंड ये जो रोम है ये MIUI Xiaomi.eu पे बेस्ड है आप देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग को काफ़ी अच्छा लगेगा यूज़ करने में MIUI 13 यहाँ पर, एंड कर्नल देख सकते हो कोई भी यहाँ पर इन्होंने जो है अलग से कर्नल नहीं दिया, जो डिफ़ॉल्ट कर्नल आता है पफ का वही इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है देख सकते हो कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पर अगर मैं बैक करता हूँ तो मैं आप लोग को पहले सबसे बताता हूँ कि इसमें नई चीज़ें क्या हैं, थोड़ा सा फोकस कर लूँ मैं। ओके, तो सबसे पहले देख सकते हो कि अगर हम जाते हैं यहाँ पर किसी उस पर कोई चीज़ सेटिंग खोलते हैं, तो ये जो कीबोर्ड आपको देखने को मिलता है तो ये काफ़ी मिनिमलिस्टिक देखने को लगता है। जो एंड्रॉयड 12 का स्टॉक रोम आता है उसमें ये ऐसा इस तरीके का देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये है, इस तरीके से इन्होंने इनेबल कर दिया है, तो आप जो है इस तरीके से देख सकते हो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। एंड ये जो वॉलपेपर है उसके अकॉर्डिंग जो है कीबोर्ड आता है। अगर मैं कोई वॉलपेपर चेंज कर देता हूँ, लाइक यहाँ पर मैं अगर कोई दूसरा वॉलपेपर लगाता हूँ तो कीबोर्ड का जो थीम है वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर जो है इस तरीके से जाता हूँ, काफ़ी सारे वॉलपेपर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, तो आप जो है अपने हिसाब से जो है यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने इसको लगाया एंड होम स्क्रीन पर सेट कर दिया, ठीक है गाइस। तो अभी यहाँ पर जो कीबोर्ड की जो थीम है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ फटाफट से। ओके, तो यहाँ पर ये लग चुका है। अब मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, एंड यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ तो आप देख सकते हो कीबोर्ड का जो यहाँ पर थीम है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से वॉलपेपर के अकॉर्डिंग जो है सारे आपके जो थीम्स है वो चेंज होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड यहाँ पर देख सकते हो वॉल्यूम जो पैनल है वो भी यहाँ पर कलर चेंज हो जाता है देख सकते हो इस तरीके से। एंड यहाँ पर अगर फुल पे करोगे तो देख सकते हो आपको चारों यहाँ पर जो है ऑप्शन है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर रिंगर का है, एंड जो है यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर मैं आप लोग को और दिखा दूँ तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। एंड यहाँ पर वाईफाई एंड ब्लूटूथ एंड हॉटस्पॉट एट द सेम टाइम तीनों यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है गाइस। कनेक्शन एंड शेयरिंग में जाएंगे तो देख सकते हो ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पे परफेक्ट काम कर रहे हैं। मुझे अभी तक कोई भी इशू देखने को नहीं मिला यहाँ पर। वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में जाएंगे तो देख सकते हो वही सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो AOD है वो आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसमें IPS डिस्प्ले है AMOLED नहीं है, इस वजह से ये कम्प्लीटली ब्रोकन है, इसमें जो है कुछ भी काम नहीं करेगा। एंड सारे देख सकते हो वही सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लाइब्रेरी में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे कि सुपर वॉलपेपर तो ये पुराना ही वाला सारा है, बट यहाँ पर देख सकते हो ये सारे वॉलपेपर्स आपको रॉक स्टार की तरफ से देखने को मिलते हैं, जो कि कुछ इस तरीके के आपको देखने को मिलते हैं। ये काफ़ी अच्छे हैं, इसको जो आप लगा सकते हो एंड यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो कुछ इस तरीके से वॉलपेपर्स आपको इसमें सारे देखने को मिलते हैं, एंड यहाँ पर ये देख सकते हो ये सारे वॉलपेपर्स देखने को मिलते हैं इस तरीके से। तो ये वॉलपेपर्स काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, एंड और भी सारे हैं देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो बहुत सारे वॉलपेपर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं गाइस। अगर हम जाते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड स्क्रीन लॉक में तो देख सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, एंड इसकी ज़रूरत भी नहीं है। एंड यहाँ पर देख सकते हो और भी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पर चार्जिंग एनिमेशन, वो सारे ऑप्शंस इसमें देखने को मिल जाते हैं आप लोग को। एंड यहाँ डिस्प्ले में अगर आप जाते हो तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं, बट ये जो सारे ऑप्शंस हैं एंटी फ्लिकर मोड एंड यहाँ पर जो है रिफ्रेश रेट और ये सारे जो है ये सारे काम नहीं करेंगे भी, ठीक है, ये काम करेंगे नहीं। यहाँ पर जो है
ये वेंडर पोर्ट किया गया है, तो ये सारे फीचर्स आपके काम नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो कलर का ऑप्शन है वो काम करेगा, देख सकते हो इस तरीके से। एंड यहाँ पर जो है और भी सारे ऑप्शन है जो काम करेंगे आप लोग के, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये कुछ रिफ्रेश रेट वेट है ये सब काम नहीं करेगा। डार्क मोड भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में जाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको जो है इस तरीके से एंड्रॉयड 12 का जो स्टेटस बार आया हुआ था कंट्रोल सेंटर, तो देख सकते हो वो वहाँ पर आपको देखने को इस तरीके से मिल जाता है लोगो इसका इस तरीके से। एंड यहाँ पर क्लिक करोगे तो देख सकते हो ये सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो देख सकते हो ये वाला आपको देखने को मिल रहा है। तो इसको इनेबल कैसे करना, अगर आपको जानना है कि कैसे ये इनेबल होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इस पर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। एंड यहाँ पर देख सकते हो और सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एडिशनल कार्ड्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। स्टेटस बार में जाओगे तो शो LTE आइकन मिलता है, यहाँ पे शो स्पीड कनेक्शन, ये सारे ऑप्शंस आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ पासवर्ड एंड सिक्योरिटी की, तो फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक परफेक्ट काम कर रहा है, कोई भी इशू मुझे देखने को अभी तक नहीं मिला उसमें, बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बैटरी में अगर आप जाते हो तो देख सकते हो ये सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बैटरी सेवर, बैलेंस एंड परफॉर्मेंस, ये सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसको जो है आप यहाँ पे अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड जो बैटरी बैकअप है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा मिला है इस रूम में, तो कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को नहीं आने वाली है। एडिशनल सेटिंग्स में अगर आप जाते हो तो देख सकते हो मेमोरी एक्सटेंशन का यहाँ पर फीचर देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर जो है क्लियर स्पीकर का भी ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि परफेक्ट काम कर रहा है। स्पेशल फीचर्स में जाओगे तो देख सकते हो ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर अगर आप जाते हो होम स्क्रीन में एंड इसके सेटिंग्स में अगर आप जाते हो तो देख सकते हो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, ब्लर एंड सर्च बार एंड बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसको जो है आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर करके यूज़ कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये डेवलपर की तरफ से मोड किया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पर मॉड करके इन्होंने जो है दिया है, एंड यहाँ पे सारे ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर इस तरीके से ऐप ड्रॉअर भी आपको देखने को मिल जाता है। तो सारी चीज़ें मैंने चेक की हैं, तो मैं आप लोग को एक करके दिखा देता हूँ। जैसे कि एंटीटू बेंचमार्क का मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्कोर आया हुआ है। लगभग जो भी MIUI Rockstar बेस्ड रोम है तो उसमें इतना ही मुझे अभी तक देखने को मिला है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो रोम की काफ़ी अच्छी मुझे देखने को मिली है। मतलब कि जो MIUI पे Android 12 पे बेस्ड जो भी रोम है Redmi Note 9 Pro के लिए, तो उसमें अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट रोम ये मुझे लगा है। मतलब लैग भी नहीं कर रहा है, कोई भी बग नहीं है। बस यहाँ पर जो ग्लोबल वर्जन का जो Redmi Note 9 Pro है तो वहाँ पर जो है NFC उसमें मिलता है, तो NFC इसमें जो है काम नहीं कर रहा है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर ओके हैं, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली है। तो एंटीटू बेंचमार्क मैंने आप लोग को दिखा दिया, क्विक बेंच भी मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है रिजल्ट के हिस्ट्री पे जाएंगे, रिजल्ट पे जाएंगे एंड यहाँ पर देख सकते हो ये स्कोर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया हुआ है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप देख सकते हो अपने हिसाब से यहाँ पर, तो ये ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग का भी टेस्ट हम करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हो पहले हम DRM इन्फो चेक कर लेते हैं कि वाइड वन L1 सपोर्ट है या नहीं है। तो देख सकते हो यहाँ पर सिक्योरिटी लेवल आपको यहाँ पर L1 देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है एंड थोड़ी देर तक हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या ही निकल के आता है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे हिसाब से जो है यहाँ पर परफॉर्मेंस ठीक है, बट बहुत ज़्यादा ठीक तो नहीं है लेकिन ठीक है यहाँ पर देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है गाइस। ओके, तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर ठीक ठाक मुझे देखने को मिला है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको इसमें देखने को मिलते हैं, जो कि आप जो है अपने हिसाब से यूज़ कर पाओगे। एंड यहाँ पर जो ये कीबोर्ड का जो थीम आ रहा है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो कुछ इस तरीके से है यहाँ पर जो आप सारे ऑप्शंस हैं वो सारे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। बस बग जो है वो एक ही है, वो है NFC, वो काम नहीं कर रहा। बाकी कैमरे के जो भी फीचर्स हैं वो सारे काम यहाँ पर करेंगे अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। एंड ये जो रोम है ये मी एटोल डिवाइसेस के लिए, तो आप Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro Max एंड यहाँ पर पोको M2 Pro और एक डिवाइस और आया है Redmi Note 10 Lite, इन पांचों डिवाइसों पर इसको इंस्टॉल कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। एंड काफ़ी अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर ये वर्क करेगा, कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को नहीं आएगी, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इंस्टॉल करने के लिए आपको जो है रिकवरी मोड में बूट हो जाना है, उसके बाद आपको जो है इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं OTG का यूज़ करने वाला हूँ एंड इसका जो पावर मेन्यू है वो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। तो यहाँ पर मैं जो है रिकवरी में चला जाता हूँ एंड यहाँ पर मेरे पास OTG है जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, देख सकते हो। तो इससे मैं जो है रोम को इंस्टॉल करना बताऊँगा। तो अगर आपके पास मेमोरी कार्ड है
तो आप मेमोरी कार्ड में जो है उसको पेस्ट करके, कॉपी पेस्ट करके उसको इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर OTG इस तरीके का है तो OTG से भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड जो TWRP रिकवरी है वो आपको जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसी को यूज़ करना, तो उससे जो है यहाँ पर बार बार रीस्टार्ट नहीं होगा गाइज। क्योंकि जब इस रोम को इंस्टॉल करो और दोबारा से रिकवरी में जाओ तो रिकवरी रीस्टार्ट होने लगती है, तो देख सकते हो इससे रीस्टार्ट नहीं हो रही है। तो ये रिकवरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और रोम का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट करना आप लोग, वहाँ से डाउनलोड कर लेना दोनों को, इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। इंस्टॉल पे मैं जाता हूँ, सेलेक्ट स्टोरेज करता हूँ, OTG सेलेक्ट करता हूँ, एंड यहाँ पर जो मेरा रोम है वो इस तरीके से देखने को मिलता है। एंड आपको जो है यहाँ पे स्वाइप टू कन्फर्म इंस्टॉल कर देना है, स्वाइप टू कन्फर्म फ्लैश, ओके। जब ये कम्प्लीट इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको वाइप पर आना है, फॉर्मेट डेटा पे आना है, यहाँ पर आपको लिखना है यस, एंड यहाँ पे इस तरीके से ओके कर देना है, ठीक है। ये करने के बाद आपको रिबूट पे आना है, उसके बाद आपको जो है सिस्टम पे क्लिक कर देना है, उसके बाद जो आपका रोम है वो बूट हो जाएगा, तो बूट एनिमेशन भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से करना है, अगर कोई भी इशू आता है आपको तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आप लोग की हेल्प ज़रूर से कर दूंगा। एंड यार सपोर्ट करो आप लोग, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना इस चैनल को, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और शेयर भी कर दिया करो यार वीडियो को, व्यूज़ बहुत कम आते हैं, तो आप लोग प्लीज़ इस तरीके से करो। एंड आप लोग के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए, ठीक है गाइस। तो देख सकते हो यहां पर इस तरीके से है, अभी बूट एनिमेशन आ जाएगा थोड़ी देर पे, देख सकते हो कुछ इस तरीके से बूट एनिमेशन का देखने को मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, ओके बाय बाय गाइज़।